YouTube चैनल नॉलेज टैंक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी पार्ट वन, जिसमें UPPGT 2011 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2011 का जो PGT UPPGT का पेपर हुआ था, वो 2016 में था। तो उसको हमने दो वीडियो में बनाया है, पार्ट वन और पार्ट सेकंड। तो पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शेष जो क्वेश्चन रह गए थे, बाकी के शेष क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, जो चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको जूम कर लें, थोड़ा और जूम करते हैं, और ये ठीक। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 76। द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजियंस, दिस लाइन ऑकर्स इन शेक्सपियर्स। ऑप्शन ए हेमलेट, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, द टेम्पेस्ट। ठीक है, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू। वर्चू का मतलब होता है सद्गुण, और वेंजियंस का मतलब होता है बदला यानी प्रतिशोध। सद्गुण प्रतिशोध से अधिक जो है मूल्यवान होता है। आगे बढ़ते हैं, 77 क्वेश्चन लेते हैं। 77 क्वेश्चन है, हु रोट, किसने कहा था, कीट्स वाज ए ग्रीक, कि कीट्स जो है ग्रीक थे। ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है कोलरिज, ऑप्शन सी है लैम, ऑप्शन डी है शैली। तो ऑप्शन डी जो है शैली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 78। विच स्टेंजा फॉर्म, कौन सी स्टेंजा की फॉर्म है जिसमें शैली यूज करते हैं इन इज फेमस पोयम ओ टू द वेस्ट विंड। ऑप्शन ए है राइम रॉयल, ऑप्शन बी है ओटामा रीमा, ऑप्शन सी है टर्जा रीमा, ऑप्शन डी है स्पेंसियर स्टेंजा। तो ऑप्शन सी जो है टर्जा रीमा इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 79। 79 क्वेश्चन है, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री इज। कीट्स की पोइट्री का नोटेबल माने फेमस जो क्वालिटी है वो है क्या। ऑप्शन ए है सेटायर है, ऑप्शन बी है सेंसुअलिटी है, ऑप्शन सी है सेंसुअसनेस है, ऑप्शन डी है सोशल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ, कि कीट्स की पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सेंसुअसनेस देखने को मिलती है पोयम में। और 80 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑगस्टन राइटर्स इपिटाफ रीड्स। ऑगस्टन राइटर का इपिटाफ कौन सा है, कि वन हु स्ट्रो विद ऑल हिज माइट टू चैम्पियन लिबर्टी। तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी है जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन सी है हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन डी है डेनियल डिफो। तो ऑप्शन बी जोनाथन रिस इसका राइट आंसर होगा। 81 क्वेश्चन देखते हैं, ये टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्स वाज फर्स्ट यूज बाई, ये मेटाफिजिकल जो पोइट्स है इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन डी है डॉक्टर जॉनसन, और ऑप्शन सी है हेलेन गार्डनर, और ऑप्शन डी है जॉन ड्राइडन। तो ऑप्शन बी है डॉक्टर जॉनसन इसका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 82। 82 क्वेश्चन है, एनाग नोरिसिस इज ए टर्म है, ये एनाग नोरिसिस इज यूज्ड बाय एरिस्टोटल ने इसका प्रयोग किया था इसके लिए, डिस्क्राइबिंग के लिए, बताने के लिए। ऑप्शन ए है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटेगनिस्ट, ऑप्शन बी है द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फॉर द प्रोटेगनिस्ट, ऑप्शन सी है द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, और ऑप्शन डी है द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड द सब टोटल। तो ऑप्शन ए द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटेगनिस्ट इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो 83 क्वेश्चन लेते हैं हम। तो 83 क्वेश्चन है, कि द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज,
प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है आ पोयम बाई विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी है एन एलेजी बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है एन एसे बाई चार्ल्स लैम और ऑप्शन डी है एन एसे विलियम हेजले। तो ऑप्शन सी एन एसे बाई चार्ल्स लैम इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन पिक्स फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाई लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है मैथी आर्नोल्ड, ऑप्शन डी है वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है ये डेफिनेशन इन्होंने कहा था कि पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स फॉर सच ए क्रिटिसिज्म By laws of poetic truth and poetic beauty, ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं 85 पर। 85 क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो मास्टर हैं वो आप सीधे सीधे रख लीजिए, रॉबर्ट ब्रॉनिंग इसके मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 क्वेश्चन है वाट इज द सब टाइटल, जो उप टाइटल है ऑफ द प्ले 12th नाइट का, वो ऑप्शन बी है और व्हाट यू विल, और व्हाट यू विल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 लेंगे। 87 क्वेश्चन है टेनिसन जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड हुम एज ए पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के ये पोएट लॉरिएट बने तो किसके बाद बने। ऑप्शन ए आर्थर कनिंगम, ऑप्शन बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी एस टी कॉलरिज, ऑप्शन डी है शेक्सपियर। तो ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद विलियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कीट्स की जो एंडीमियन है वो किसके लिए डेडिकेटेड है। ऑप्शन ए लेहंट के लिए, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी शेक्सपियर। तो ऑप्शन डी जो है थॉमस चैटरनन इसके लिए वो डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का स्कूल है कि आपने सुना हुआ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो लेक स्कूल था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स, कौन से ऐसे पोइट्स हैं वो डज नॉट बिलोंग, जो कि लेक पोइट्स से बिलोंग नहीं करते। तो सूदे करते हैं, ऑप्शन सी कॉलेज भी करते हैं, ऑप्शन डी और बर्सवत भी करते हैं। तो ऑप्शन ए कीट्स जो हैं वो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 टेनिसन की पोयम है इन मेमोरी, ये मास्टरपीस है इनका, वो वाज इन रिटेन इन द मेमोरी। तो टेनिसन की जो पोयम है इन मेमोरियम वो जो है किसकी याद में लिखी गई। तो ऑप्शन ए है ए एच हेलम, ऑप्शन बी है एडवर्ड किंग, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है पी वी सेले। तो ऑप्शन ए एच हेलम इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 91 क्वेश्चन लेते हैं। 91 क्वेश्चन है कि फॉर विच न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकिंस रिपोर्टेड रिपोर्टिंग की पार्लियामेंट्री डिबेट्स के लिए, वो कौन सा पेपर था। ऑप्शन ए गार्जियन, ऑप्शन है मिरर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट और ऑप्शन डी है द टाइम्स। तो ऑप्शन बी मिरर ऑफ पार्लियामेंट इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 लेते हैं। 92 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल, चार्ल्स डिकेंस की पहली उपन्यास कौन सा था। ऑप्शन ए है डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन बी है निकोलस निकलबाई, ऑप्शन सी है पिकविक पेपर्स, ऑप्शन डी है ऑलिवर ट्विस्ट। तो ऑप्शन सी द पिकविक पेपर्स का राइट आंसर होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर आएंगे। 93 क्वेश्चन है आप विच रेवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज, यानी कौन सा रेवोल्यूशन था जो ए टेल ऑफ टू सिटीज पर डोमिनेट्स करता है, यानी ये एक ए टेल ऑफ टू सिटीज है उसमें कौन सा रेवोल्यूशन को डोमिनेट्स करता है। तो ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये जो डोमिनेट्स करता है, जो कि 1789 से 1799 तक था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन डोमिनेट करता है अ टेल ऑफ टू सिटीज में। 94 क्वेश्चन देखते हैं। आवर्स एक पोयम फॉर्म है यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, जिसमें 8 लाइन्स का प्रयोग होता है और ईच विद 11 सिलेबस, जिसमें प्रत्येक में 11 सिलेबस होते हैं, वो नॉन जानी जाती है। तो वो ऑप्शन सी ओटामा रेमा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं मैरी
आप स्क्रीन पर देखिए, मैरी सैली के जो फादर थे वो वास विलियम गॉडविन थे, जो कि थे क्या? मैरी सैली के जो फादर विलियम गॉडविन थे वो क्या थे? ऑप्शन ए है फिजिशियन थे, ऑप्शन बी है स्पिरिचुअल लीडर थे, ऑप्शन सी जो है पोइट एंड सेटारिस्ट थे, ऑप्शन डी फिलोसफर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। अब हम देखते हैं 96 क्वेश्चन। 96 में दो ऑप्शन इसके इधर हैं, दो ऑप्शन उधर हैं। तो देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इललेजिमेटेड चाइल्ड इन हार्डीज नॉवेल। हार्डी, थॉमस हार्डी की जो नॉवेल है टेस दी विलेज, उसमें जो अवैध इललेजिमेटेड चाइल्ड है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सौरव है, ऑप्शन बी अब्राम है। तो अब दो ऑप्शन उधर हैं, तो लेकिन ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो सौरव, इसका जो है राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 97 क्वेश्चन ये है कि व्हाट मोटिव्स, टेस टेस का क्या मोटिव्स था टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट। अपने पास्ट के बारे में एंजल से बात करने का उसका क्या मोटिव्स था? तो ऑप्शन ए है टेस रियलाइज दैट एंजल हैज नॉट रीड द लेटर शी हैज रिटन हिम। कि टेस को रियलाइज हुआ कि एंजल ने उसका पत्र को नहीं पढ़ा है जो कि उसने उसके लिए लिखा था, और ऑप्शन बी है जॉन डर्बी फील्ड एडवाइस टेस टू टेल हिम, ऑप्शन सी है एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस, और ऑप्शन डी है ए मैन फ्रॉम टेंट्रिज रिकॉग्नाइज हर। तो ऑप्शन सी जो है एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस, एंजल ने अपने पापों को टेस के सामने स्वीकार कर लिया था, ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 क्वेश्चन, लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड कंप्राइज पोइम्स, जो कि पोइम्स लिखी गई थी किनके द्वारा? वर्ड्सवर्थ और एक और थे, जो ऑप्शन ए है कीट्स, ऑप्शन बी है शैली, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है कोलरिज, ऑप्शन डी है बायरन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था लिरिकल बैलेड। ओके, 99 क्वेश्चन देखते हैं, द टाउन, वो टाउन बताइए जो का मेंशन माने जिक्र किया गया है इन द पोयम, और पोयम का नाम है लेडी ऑफ शैलो, जो कि टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कौन सा टाउन है जिसका किया गया? तो डायरेक्ट आप याद करिए, कैमलॉट इसका राइट आंसर होगा, सी कैमलॉट। ठीक, मूव करते हैं 100 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाई डेफिनेशन, व्हाट वाई डेफिनेशन इज सीरियस, ऐसी इसकी डेफिनेशन है जो कि सीरियस है, कंप्लीट है, एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड है। तो ऑप्शन ए कॉमेडी है, ऑप्शन बी ईपिक है, ऑप्शन सी ट्रेजेडी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। तो सीरियस है, कंप्लीट है, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ट्रेजेडी। ओके, अब मूव करते हैं 101 लेते हैं, द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ये एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये जो है किसके द्वारा है, कौन है इसके ऑथर? ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नोल्ड है, ऑप्शन बी है टी एस एलियट है, ऑप्शन सी ए से ब्रेडले हैं, ऑप्शन डी है जॉर्ज सेंट्सवरी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टी एस एलियट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102 लेते हैं, 102 क्वेश्चन है, द शेक्सपियरियन प्ले है जो कि टर्म एज आर्टिस्टिक फेलियर बाय टी एस एलियट, यानी शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको टी एस इलियट ने कहा था कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वो था हेमलेट को कहा था इन्होंने। तो 103 लेते हैं, द मिडिल नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो नाम है, तो उसमें एक यहाँ पर एक नाम आता है इनका, वो कौन सा है? वो चार्ल्स है, ऑप्शन बी ली है, ऑप्शन सी जॉन है, ऑप्शन डी ऑगस्टस। ऑगस्टस, ऑप्शन बी ली है, और जिसके लिए इनका नाम होगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 104, 104, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट, कौन से अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनवाइट किया था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को कि रिसाइट, माने कि आप पोयम सुनाइए एट इज इनॉगुरेशन सेरेमनी, जो कि उद्घाटन समारोह था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बुलाया गया था पोयम सुनाने के लिए। तो वो ऑप्शन ए है जॉनसन थे अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय, निक्सन थे, ऑप्शन सी है रूजवेल्ट थे, ऑप्शन डी कैनेडी इसका राइट आंसर होगा, डी। मूव करते हैं 105, 105 क्वेश्चन लेते हैं हम। 105 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द
राइट प्लेस फॉर लव, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार वो कौन सा राइट प्लेस है प्यार के लिए? ऑप्शन ए हेवन है, ऑप्शन बी अर्थ है, ऑप्शन डी ईडन है, ऑप्शन डी पैराडाइज है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अर्थ। द शिप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन जो पोयम है उसमें जो शिप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी शिप क्या है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 107 107 क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर की कौन सी फेमस उपन्यास है जो कि पब्लिश हुआ था 1929? तो ऑप्शन ए है द साउंड एंड द फरी, ऑप्शन बी है मॉस्किटोज, ऑप्शन सी है सोल्जर्स पे, ऑप्शन डी है द वाइट रोज ऑफ मेम्फिस। तो ऑप्शन ए द साउंड एंड द फरी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 108 108। When did विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज जो है विलियम फॉकनर को कब मिला? तो डायरेक्ट याद करिए 108 क्वेश्चन, 108 का जो ऑप्शन बी है 1949 में नोबेल प्राइज मिला विलियम फॉकनर को। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 109 109। क्वेश्चन है कि हुज डेथ किसकी मृत्यु पर When lilacs last in the dooryard bloomed, ये पोयम है जो कमोमरेट याद की जाती है, किसकी डेथ पर ये पोयम को याद किया गया है, इस पोयम में किसकी डेथ पर? तो ऑप्शन ए है लिंकन्स की डेथ पर याद किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो अमेरिकन थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जो उन्होंने रोल किया था इन वर्ल्ड वार फर्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने किसकी भूमिका अदा की थी वर्ल्ड वार सेकंड में? तो ऑप्शन डी इसका राइट याद कर लीजिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में। अगला क्वेश्चन है 111 111। विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल है जिसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज मिला? ओके, तो पुलित्जर प्राइज अर्नेस्ट हेमिंग की जो नोवेल है वो बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस है, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिए मिला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं 112 112। क्वेश्चन है कि नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपल्स इंडिया एंड माइन, तो उस ऑथर का नाम बताइए जो नेपल्स इंडिया एंड माइन को इन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन ए है डॉम मॉरिस, ऑप्शन बी है निजाम इज़ीकिल, ऑप्शन सी है सलमान रश्दी, ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो ऑप्शन बी निजाम इज़ीकिल इसका राइट आंसर होगा। 113 113 क्वेश्चन, निजाम इज़ीकिल बिलोंग टू द किस कम्युनिटी से थे? तो ऑप्शन सी जूस कम्युनिटी से थे निजाम इज़ीकिल। क्वेश्चन नंबर 114 114। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा है जो इज नॉट ए पोयम बाई कमला दास, कमला दास की जो पोयम नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन ए समर इन कैलकटा, ये कमला दास की पोयम है, अब पूछ रहे हैं कि नहीं है। ऑप्शन बी है द डांस ऑफ द यूनच, ऑप्शन सी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो ऑप्शन सी जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो है निजाम इज़ीकिल की पोयम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 115 When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज अर्नेस्ट हेमिंग को मिला 1954 में द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। ओके, तो ऑप्शन डी है 1954। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये पीजीटी में, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ द माइसेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ द माइसेल्फ पोयम में विटमैन्स में जो सबसे बड़ा सिंबल क्या है? तो वो सबसे बड़ा सिंबल है द ग्रास, द ग्रास इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द ग्रास इसका आंसर भी होगा। 117 देखते हैं, विच अमेरिकन राइटर, कौन अमेरिका के राइटर हैं जो वाज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन, जिन पर जो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ ऑन विटमैन पर पड़ा, जो कौन है? ऑप्शन ऑप्शन डी इमर्सन जो है वो अमेरिका के राइटर हैं जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए ऑन विटमैन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथर ऑफ द माई स्टोरी, माई स्टोरी के लेखक कौन है? वो ऑथर है कमला दास, कमला दास ने लिखी है माई स्टोरी, ऑटोबायोग्राफिकल है। 119 देखते हैं, 119 द ऑथर ऑफ द एसे ऑफ द इलिया, द एसे ऑफ द इलिया के जो ऑथर हैं वो चार्ल्स लैम है,
सैम इसका राइट आंसर होगा। मुल्कराज आनंद डाइड, मुल्कराज आनंद की मृत्यु हुई किस सन में, तो 2004 में, 2004 में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन देखते हैं अब हम 121 क्वेश्चन है 121। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद का कौन सा वर्क नहीं है, तो कांतापुरा इनका वर्क नहीं है। अब ये कांतापुरा किनका है, कांतापुरा है राजा राव का, इनका राजा राव। बाकी जो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑप्शन बी जो हुली, ऑप्शन डी है टू लीव्स एंड ए वर्ड, जो जो है मुल्कराज आनंद के हैं, लेकिन जो कांतापुरा है वो राजा राव के द्वारा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 122 की, हु रोट द फोरवर्ड टू आनंद्स नॉवेल अनटचेबल, आनंद की जो नॉवेल है अनटचेबल, जो उसको किसने लिखा है, तो ई एम फॉस्टर इसका राइट ऑप्शन होगा, ए इसका सही उत्तर होगा, ई एम फॉस्टर। ऑप्शन बी है जूरिस प्रूडेंस, ऑप्शन सी है पोइटिक जस्टिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन सी पोइटिक जस्टिस इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं हम 124 क्वेश्चन है, एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच अ करेक्टर एलोन एक्सप्रेस हिज थॉट्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड, यानी एक स्पीच दी जाती है और एक करेक्टर जो है इसको अकेले में एक्सप्रेस करता है, अपने विचार को व्यक्त करता है स्टेज पर ही, उसको कहते हैं सोलिलोक्वी। जैसे कि हेमलेट में 7 सोलिलोक्वी हैं, जो कि बेस्ट सोलिलोक्वी हैं, हेमलेट की 7 सोलिलोक्वी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 125, ए डैक्टिल इज ए मेट्रिकल फुट, ये डैक्टिल जो है वो मेट्रिकल फुट है, जिसमें कंसिस्ट ऑफ कितने सिलेबल होते हैं, ऑप्शन ए 2 सिलेबल्स, ऑप्शन बी 3 सिलेबल्स, ऑप्शन सी 5 सिलेबल्स, ऑप्शन डी 4 सिलेबल्स, तो ऑप्शन बी 3 सिलेबल्स इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे यूपी पीजीटी के 2011 का पार्ट वन और पार्ट सेकंड, मैंने पूरे कर दिए, आज पार्ट सेकंड इसका हो गया। हालांकि ये एग्जाम जो है 2016 में हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।